तो धनु और सिंह राशि जो है दोनों मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की, वो उनके अनुकूल नहीं है। अगर यदि उनका व्यक्तिगत दोनों की राशि देखेंगे तो दोनों पार्टियों को 105 सीटें मिलने की संभावना है। इन चंद्रमा की जो प्रबलता है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सभी लोगों को 3 तारीख का इंतजार है। ग्रहों की माने तो किस तरह से चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, हमारे साथ में पंडित मनीष शर्मा जी मौजूद है, वो बताएंगे कि जो चुनाव है वो किस ओर जा रहा है, जो ग्रह हैं वो किसकी ओर सरकार बनाने की तैयारी में है। शर्मा जी बताएं क्या कह रहे हैं ग्रह। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो राशि है उनकी कुंडली में वो धनु राशि है, नाम से उनके कुंभ राशि है। कमलनाथ जी की कुंडली में राशि है सिंह और नाम से उनकी मिथुन राशि है। जिस दिन परिणाम आना है 3 दिसंबर 2023 के दिन, उस दिन चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में रहेगा। तो धनु और सिंह राशि जो है दोनों मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की, वो उनके अनुकूल नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के अनुकूल नहीं बनी हुई है। अगर यदि उनका व्यक्तिगत दोनों की राशि देखेंगे तो दोनों पार्टियों को 105 सीटें मिलने की संभावना है 3 दिसंबर 2023 के दिन। किंतु यदि पार्टी से देखते हैं अपन, तो जो स्थापना दिवस की राशि है बीजेपी की वो है वृश्चिक, और कांग्रेस की है मिथुन राशि है, उनकी स्थापना दिवस की राशि भी मिथुन है और उनके नाम से भी मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा और वृश्चिक से नवम भाव में रहेगा, इसलिए चंद्रमा की जो प्रबलता है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है 105 सीट दोनों पार्टियों को अगर आएगी तो किस तरह से बढ़त कौन सी पार्टी को मिलने वाली, पार्टी के हिसाब से? पार्टी के हिसाब से तो कांग्रेस को ही मिलना है। कितनी सीट आने की संभावना है? 120 या उससे ऊपर। अच्छा, ये ग्रह किस तरह से काम करते हैं राशियों पर, क्या प्रभाव होता है, या किसी पूजा के कारण ग्रह बदल सकते हैं, ये भी कुछ होता है? पूजा के कारण ग्रह अवश्य बदल सकते हैं। अगर किसी का कोई ग्रह खराब है और उसको वो पूजन पाठ के द्वारा, व्रत उपवास के द्वारा अपने पक्ष में करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक विस्तारित मामला है पूरा, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, 230 लोगों की गणना होनी है। तो 230 लोगों की गणना में जो जिस दिन चंद्रमा जो रहेगा वो पार्टी के हिसाब से ही उसकी गणना होगी। तो पार्टी के हिसाब से, यानी कि कांग्रेस के हिसाब से मिथुन राशि है उनकी, तो द्वितीय भाव का चंद्रमा, तो वो पार्टी वाले जितने भी उससे संबंधित लोग हैं उनको फेवर ज़्यादा करेगा और बीजेपी वालों को कम फेवर करेगा। इस बार वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है, महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें वोटिंग में हिस्सा लिया है। ये लाडली बहना की जो बात की जा रही है तो क्या प्रभावी होगा इसमें इसका? कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा बीजेपी वालों को कि लाडली बहना से उनको कुछ लाभ हो, परंतु यही कि यही योजना कांग्रेस वालों ने भी दे रखी है, तो जिस लाभ लेने वाले लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क उससे पड़ना नहीं है, परंतु जो नाराज लोग हैं बीजेपी से, जो नाराज हैं, एंटी इनकमेंसी भी है, तो वो मैटर ज़्यादा करेगा परिणामों पे। अभी शिवराज सिंह चौहान जी या कमलनाथ जी को ले लो, सभी भगवान के दर पर जा रहे हैं। अभी कुछ 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ में आए थे, उज्जैन के सभी मंदिरों पर पूजा पाठ की है, कितना फ़र्क पड़ता है इनसे? कर्म प्रधान विश्व चिराखा, भगवान भी कहते हैं कि जो संसार है वो कर्म प्रधान है, मैं आपकी मदद, यानी कि ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेगा, पर आपने जो कर्म किए हैं उसका फल तो भुगत नहीं होगा। तो पंडित जी का कहना है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है, 20 से 25 सीट आने की संभावना है। पार्टी की राशि देखी जाए तो अगर जो मुख्यमंत्री पद पर अभी विराजमान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी, उन दोनों की राशि देखी जाए तो 105 सीट आने की संभावना, लेकिन अगर पार्टी की राशि स्थापना दिवस के माध्यम से देखते हैं
तो कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बिंडवाल।